नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के बारे में बताने वाला हूँ। ये क्या चीज है, इसका क्या इस्तेमाल है और इसका किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या चीजें और भी हो सकती हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी की शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। इसकी मदद से हमारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी के रिजल्ट होते हैं, चाहे किसी कॉलेज का या स्कूल का, सारे डॉक्यूमेंट जो है कि आपको डिजिटली मिलने लगेंगे। ये कॉलेज इंस्टीट्यूट और स्कूल के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, यानी सबके लिए है कि अपना डॉक्यूमेंट जो है कि आप ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं, डिजिटलाइज कर सकते हैं। और कहीं भी आपको, अगर मान लीजिए नौकरी के लिए जाना है या फिर कहीं पे भी आपको अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करने की जरूरत है, तो आप एनएडी की मदद से ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं, ऑनलाइन आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो पहले अबाउट सेक्शन में हम आते हैं। एनएडी है क्या? तो आप देखिए, अबाउट नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी एनएडी, द विजन ऑफ नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी इज बॉर्न आउट ऑफ एंड इनिशिएटिव टू प्रोवाइड एन ऑनलाइन स्टोर हाउस फॉर ऑल एकेडमिक अवार्ड। मतलब कह रहा है जो एकेडमिक अवार्ड है उन सबके लिए एक तरह से ऑनलाइन स्टोर बनाना, जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट जो है कि सबमिट किया जा सके। जैसे यहाँ पे देखिए, सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा वगैरह के जो सर्टिफिकेट होते हैं, डिग्री, मार्कशीट वगैरह जो कुछ भी है, वो आप ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। और इसमें देखिए, इसका जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो इसकी ऑथराइज बॉडी है। और यहाँ पे देखिए, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एस्टैब्लिशिंग ए डिजिटल डिपॉजिटरी ऑफ एकेडमिक अवार्ड टू बी नोन एज नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी एनएडी ऑन द पैटर्न ऑफ सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी इन इट्स मीटिंग। और यहाँ पे इसके फीचर्स आप देखिए क्या क्या है। फीचर्स ऑफ एनएडी, ऑपरेट इन फुली ऑनलाइन मोड, पूरा ये ऑनलाइन मोड में है, ऑफलाइन कोई सर्विस नहीं मिलेगी। और यहाँ पे दिया है, अलाउ लॉजिंग ऑफ एकेडमिक अवार्ड इन डिजिटल फॉर्मेट, मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ एक्सेस टू डेटाबेस एंड ऑफ द अवार्ड लॉजिंग डेटाबेस। जितने भी आपके एकेडमिक अवार्ड होंगे वो आपको यहाँ पे डिजिटल फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे दिया है, अलाउ एम्प्लॉयर्स एंड अदर पर्सन विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द कंसर्न स्टूडेंट टू वेरीफाई द ऑथेंसिटी ऑफ एनी एकेडमिक अवार्ड। तो इसमें मान लीजिए आपको कि कहीं नौकरी लगती है, आपको अपने एकेडमिक सर्टिफिकेट वहां सबमिट करने हैं, तो आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं और वो आपके डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं आपकी कंपनी वाले। और ये स्टेक होल्डर ऑफ एनएडी, स्टूडेंट, अदर अवार्ड होल्डर्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, बोर्ड, एलिजिबिलिटी असेसमेंट बॉडीज, ये सारी चीजें हैं। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन टू बी कवर अंडर एनएडी, अब ये कौन कौन से एकेडमिक इंस्टीट्यूशन होंगे जो एनएडी के अंदर में आएंगे, वो आपका है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अवार्डिंग डिप्लोमा, स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज विच इज अप्रूव्ड बाई यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उन सबके लिए भी है, जो स्कूल बोर्ड है उनके लिए भी, सीबीएसई वालों के लिए भी है, और अदर यूनिवर्सिटीज भी जो यूजीसी से संबंधित है उनके लिए भी ये चीज है। और अगला स्टेप है आपका, एकेडमिक अवार्ड टू बी कवर्ड अंडर एनएडी। अब इसमें किस किस तरह के एकेडमिक अवार्ड जो है शामिल होंगे, एनी सर्टिफिकेट, अगर मान लीजिए आप कहीं से कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं या बीए बीएससी कर रहे हैं, तो आपका जो डिग्री होगा या जो सर्टिफिकेट होगा वो इसमें आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा, अगर कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं वहाँ आप सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो भी आपको जो है कि नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में मिल जाएगा। ऑल सर्टिफिकेशन बाय नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, तो ये काफी सारी चीजें दी हुई है। आप सीधा सीधा ये समझिए कि जो आपका मार्कशीट है, जो सर्टिफिकेट है, डिग्री है, जो कुछ भी है, वो आप यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं, ऑनलाइन वेरीफाई करा सकते हैं, कहीं नौकरी करने जा रहे हैं या कोई काम पड़ गया तो, ठीक है। सर्विसेज बीइंग ऑफर्ड बाय एनएडी, यहाँ पे आप द एनएडी शैल रजिस्टर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बोर्ड एलिजिबिलिटी असेसमेंट बॉडीज। तो एनएडी का काम है कि जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, बोर्ड्स हैं,
का एक तरह से रजिस्ट्रेशन करना और सारे उनके डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। रजिस्टर स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन आधार यूनिक एनएडी आईडी। तो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी यानी एनएडी पे अकाउंट बनाने के लिए आपके पास में आधार होना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या करना चाहिए। अलाउ एकेडमिक इंस्टीट्यूट बोर्ड्स एलिजिबिलिटी असेसमेंट बॉडीज टू अप्रूव द एकेडमिक अवार्ड्स इश्यूड बाय देम। यानी कहने का मतलब ये है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बोर्ड या स्कूल वगैरह जो भी हैं उनको अलाउ करना कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इस पे अपलोड कर लें। ये एनएडी की तरफ से सर्विस ऑफर की जाएगी। अलाउ वेरीफाइंग एंटिटीज टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ एकेडमिक अवार्ड। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का अगर वेरिफिकेशन कराना है, नौकरी लगती है, तो एनएडी ये भी काम करेगी कि उस स्टूडेंट के मतलब वो क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट वेरीफाई कराने का काम भी जो है कि वो अलाउ कर देगी। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कंपनी को वेरीफाई कराना है तो वो उसका जो स्टूडेंट के डिटेल्स का वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट भेजेगा तो स्टूडेंट उसको अप्रूव कर देगा, तो उसके सारे डॉक्यूमेंट जो है कि वेरीफाई हो जाएंगे। या फिर अगर एम्प्लॉयर चाहे तो डायरेक्टली एनएडी से आपका वेरिफिकेशन करा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ एनएडी। एनएडी के बेनिफिट्स क्या क्या है। परमानेंट एंड सेफ रिकॉर्ड, आपके रिकॉर्ड यहाँ पे परमानेंट रहेंगे और पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। नो नीड फॉर इश्यूइंग डुप्लीकेट एकेडमिक अवार्ड। एक बार आपका डॉक्यूमेंट डिजिटली स्टोर हो गया तो आपको बार बार जो है डुप्लीकेट जो है कि सबमिट करने की जरूरत नहीं है। इफेक्टिव डिटरेंस टू फेक एंड फोर्स्ड पेपर सर्टिफिकेट। तो इस तरह से अगर चीजें हो जाती हैं तो नकली डिग्रियां बनाना या सर्टिफिकेट बनाना वो नहीं हो पाएगा इसके आ जाने से। और स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या है। इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ एकेडमिक अवार्ड अपॉन अपलोड बाय एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। अब स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि अगर मान लीजिए आपका कॉलेज आपका रिजल्ट या डिग्री वगैरह जो कुछ भी है ऑनलाइन अपलोड कर देता है तो आप एनएडी से सारे अपने डॉक्यूमेंट जो है कि आप देख सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ऑनलाइन परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ एकेडमिक अवार्ड्स, आपको सारे एकेडमिक अवार्ड्स या सर्टिफिकेट डिग्री वगैरह जो कुछ भी हो यहाँ पे मिल जाएंगे। नो रिस्क ऑफ लूजिंग स्पॉइलिंग डैमेजिंग द एकेडमिक अवार्ड। तो सारा काम जो है कि आपका ऑनलाइन हो जाएगा तो आपके डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट होने का कोई डर नहीं है ना ही खराब होने का। और फॉर वेरिफिकेशन यूजर, अब यहाँ पे दिया है कि कंपनी वालों के लिए है, बैंक के लिए है, बैंक में खाता खोलने जाना है, बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना चाहता है तो आप एनएडी के जरिए अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फॉर वेरिफिकेशन यूजर ऑनलाइन क्विक एंड रिलायबल वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक अवार्ड विद प्रायर कंसेंट ऑफ द स्टूडेंट कंसर्न। एक्सेस टू ऑथराइज्ड कॉपी ऑफ एकेडमिक अवार्ड। नो रिस्क ऑफ फेक एंड फोर्स सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज ऑनलाइन हो जाने से जो आप एम्प्लॉयर है जो बैंक है उसके लिए भी एक समस्या सॉल्व हो जाएगी कि कोई फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाएगा। अब इसमें टू डिपॉजिटरी सिस्टम बनाए गए हैं। पहला तो आपका एनएसडीएल है और दूसरा है आपका सीडीएसएल। सीडीएसएल वेंचर लिमिटेड का एक है वो है आपका सीवीएल। तो पहला है आपका एनएसडीएल है, सॉरी एनडीएमएल और आपका सीडीएल। ये दो डिपॉजिटरी सिस्टम है जिनमें आप अपने डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिपॉजिटरी एनडीएमएल एंड सीबीएल। ये एनडीएमएल आपका एनएसडीएल का है और सीडीएसएल सीबीएल जो है सीडीएसएल का है। तो यहाँ पे दिया हुआ है द डिपॉजिटरी सेल इंटर इनटू ए थ्री पार्ट, क्या है, ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट विद यूजीसी। इंटर इनटू सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स विद एएलएस। एएलएस है या एआईएस है समझ नहीं आया। तो ये सारी चीजें ये अब चलिए देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। बेनिफिट्स तो खैर देख लिए। अब यूजर चार्जेस, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेगा, हमेशा के लिए इसके चार्ज लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेजर हेड्स ऑफ सर्विसेज एंड यूजर चार्ज सीलिंग्स। अब यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। तो
वहां पे एआई था, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन था, वो एल ही था, ठीक है। तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए रजिस्ट्रेशन जो है कि फ्री है 30 सितंबर 2019 तक। एनुअल मेंटेनेंस फी भी जो है कि फ्री है 30 सितंबर 2019 तक, और अपलोड भी इनके फ्री हैं। वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक अवार्ड, इसके लिए चार्ज लगेगा, और ये होगा आपका टू बी डिसाइडेड बाय एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। ये वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक अवार्ड्स के लिए जो है कि कुछ चार्ज लगेंगे एंड डिपॉजिटरी, जो आपका एकेडमिक इंस्टीट्यूट और डिपॉजिटरी दोनों मिलके इसका कुछ ना कुछ चार्ज करेंगे, जो आप वेरिफिकेशन करवाएंगे अपने एकेडमिक सर्टिफिकेट का, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं फॉर स्टूडेंट एंड अवार्ड होल्डर्स, स्टूडेंट के लिए या फिर जिनके लिए जिनका सर्टिफिकेट ऑनलाइन जो है कि स्टोर्ड है, उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। तो रजिस्ट्रेशन फ्री है, अब ये शायद लाइफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे कोई डेट वेट नहीं दिया गया है। वीविंग ऑफ अवार्ड्स, अपने सर्टिफिकेट देखने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं, सॉरी, फ्री टिल द स्टूडेंट अटेंड द एज ऑफ 27, 27 की उम्र तक जो है कि वो फ्री रहेगा, उसके बाद चार्ज लगेगा। एनुअल यूसेज फी, जो सालाना इसका इस्तेमाल करने का चार्ज है, वो 27 साल तक फ्री रहेगा, फ्री टिल द स्टूडेंट अटेंड द एज ऑफ 27। डाउनलोड ऑफ एकेडमिक अवार्ड, फर्स्ट डाउनलोड ऑफ एन एकेडमिक अवार्ड फ्री टिल द स्टूडेंट अटेंड द एज ऑफ 27। जो पहला डाउनलोड है 27 साल की उम्र तक, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यानी इसका कुछ न कुछ बाद में चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। तो अगला हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको विजिट करना होगा सबसे पहले nad.ndml.in, मैं इसको यहीं पे ले चलता हूँ। तो आपको nad.ndml.in पे जाना होगा, वहां पे आपको देखिए लॉग इन का ऑप्शन दिया है, रजिस्टर करने का ऑप्शन दिया है। तो अगर आपके पास में ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉग इन कर सकते हैं, अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे रजिस्टर करके अकाउंट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, ये बोल रहा है ज्वाइन NAD ऑनलाइन रजिस्टर टू एक्सेस योर एकेडमिक सर्टिफिकेट। हम ज्वाइन नाउ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नेट स्लो हो गया है उसके लिए सॉरी। अभी इसकी शुरुआत जो है की गई है कुछ साल पहले ही, लगभग 2016 में कैबिनेट में ये अप्रूव हुआ था, और काफी नई नई चीज है अभी तक लोगों के लिए, तो इसको समझने में थोड़ी सी अभी दिक्कत आई। अब यहाँ हम आ गए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे, स्टूडेंट के लिए हम अकाउंट ओपन करेंगे, यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। तो इसके लिए आपके पास में जो है कि आधार कार्ड का होना जरूरी है, आधार नंबर होना जरूरी है, नहीं तो आप जो है कि इस पे अकाउंट नहीं बना पाएंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रजिस्टर ऑन NAD टू गेट ऑनलाइन एक्सेस टू योर एकेडमिक सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, अब रजिस्टर करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रजिस्टर यूजिंग योर आधार। तो यहाँ पे हम देखते हैं बिना आधार के कुछ हो सकता है क्या, आई डोंट हैव एन आधार, मैंने क्लिक किया कि मेरे पास में आधार नहीं है। इट इज सजेस्टेड दैट यू मे रजिस्टर यूजिंग आधार एज द प्रोसेस इज कंप्लीटली क्विकली एंड ऑनलाइन। आप बिना आधार के भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है, मैं भी पहली बार कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी बहुत गलतियां हो रही हैं, उसके लिए सॉरी है, क्या करें, नई नई चीज है मेरे लिए भी। मैं बिना आधार के रजिस्टर करता हूँ, वैसे आधार अगर रजिस्टर आधार के साथ में रजिस्टर करें तो बेनिफिट ज्यादा रहता है। Have you ever registered earlier with NAD through NDML or CL? No. अब यहाँ पे हम अपनी डिटेल्स देंगे, ठीक है, तो फुल नेम हमारा जो भी है, हाँ
मिडिल नेम कुछ नहीं है, फादर्स गार्जियंस नेम, मदर्स नेम मैंडेटरी नहीं है तो अभी मैं इसको रहने देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ मार्क्स, यार अब पूछ रहा है रिसाइडिंग इन इंडिया, इंडिया में है तो आप इंडिया डाल सकते हैं, इंडिया के आउटसाइड में तो आउटसाइड में डाल सकते हैं। अब आपका मांग रहा है मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी, आपका जो भी ईमेल आईडी है आपको यहाँ पे एंटर कीजिए, ईमेल आईडी क्या है। एड्रेस पूछ रहा है, स्टेट डाल दिया, स्टेट हमारा क्या है दिल्ली, पिन कोड, कंट्री इंडिया, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड, आपको यहाँ पे अपना जो है कि फोटो भी अपलोड करना पड़ेगा और सिग्नेचर भी अपलोड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको फिर बोल रहा है सेलेक्ट इंस्टीट्यूशन दैट विल ऑथराइज योर डिटेल्स, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, अभी जो जो यूनिवर्सिटीज ने रजिस्टर कर दिया होगा अपने आप को उनकी यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाएगा, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया होगा अपने आप को रजिस्टर उनका लिस्ट यहाँ पे नहीं दिखाएगा। शायद मेरी यूनिवर्सिटी ने तो अभी तक नहीं किया है इसलिए लिस्ट नहीं दिखा रहा है। फिर यहाँ पे आपको देखिए क्या क्या चीजें, आपको एक तरह से ब्रीफ में बता देता हूँ, आपको यहाँ पे अपना फोटो अपलोड करना है, फोटो के बाद में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे यू कैन अपलोड ए स्कैंड इमेज ऑफ और मोबाइल फोटो जेपीजी फॉर्मेट में, आपको 15 KB फॉर फोटो एंड 10 KB फॉर सिग्नेचर वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद में आपको अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स देनी होगी, तो आपकी यूनिवर्सिटी अगर जो है कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है आपकी यूनिवर्सिटी ने इस नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी पे अगर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो ये सारी डिटेल्स आप नहीं भर पाएंगे, ठीक है। एंटर योर रोल नंबर, PRN नंबर, ईयर ऑफ पासिंग आपको भरना होगा, कोर्स भरना होगा और यूनिक रेफरेंस नंबर भरना होगा। क्रिएट योर लॉगिन डिटेल्स, यहाँ पे आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको अपनी यूजर आईडी चुनना पड़ेगा, पासवर्ड, और फिर उसके बाद में कंफर्म पासवर्ड करना होगा, उसके बाद में जो है कि आप सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज देखने वाली बात है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने रजिस्टर नहीं किया है तो आप जो है कि यहाँ पे अकाउंट बनाने का कोई बेनिफिट फिर नहीं रहेगा, क्योंकि फिर आपको
डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप अकाउंट बना सकते हैं। आधार इसके लिए अभी मैंडेटरी नहीं है, हो सकता है बाद में मैंडेटरी हो। बिना आधार के भी आप जो है कि अकाउंट बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।